Subscribe and press the bell icon for latest update. नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल में बंद आसाराम के पैर छूने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व राज्यपाल का जोधपुर कोर्ट पहुंचने का चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यहां की विशेष अदालत में आसाराम केस की रोजाना सुनवाई हो रही है। इस दौरान रोजाना कड़ी सुरक्षा के बीच आसाराम को कोर्ट में पेश किया जाता है। शनिवार को जब आईटी एक्ट और यौन उत्पीड़न के दो अलग अलग मामलों में आसाराम की पेशी हुई तो कोर्ट के बाहर दरवाजे पर अपने दो गार्ड को लेकर सिक्किम के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व राज्यपाल सुंदरनाथ भार्गव खड़े थे। आसाराम को जैसे ही जेल के पुलिसकर्मियों ने जेल से वैन से नीचे उतारा, वैन आगे ही पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व राज्यपाल भार्गव उनके पैरों में पड़ गए। यही नहीं, भार्गव के दोनों सरकारी गार्डों ने भी आसाराम से आशीर्वाद लिया। इस घटना पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुंदरनाथ भार्गव का कहना था कि वह एक निजी समारोह में जोधपुर आए थे तो पता चला कि आसाराम पेशी के लिए कोर्ट में आने वाले हैं, इनके दर्शन के लिए वो यहां आ पहुंचे। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।